कुछ तथा कथित पत्रकार आपको किसान का चोल्हा ओढ़ने वाले कुछ आंदोलन जीवियों की खबरें तो दिखाएंगे, लेकिन असली किसानों को हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने कितनी बड़ी राहत दी है ये नहीं बताएंगे। आपको पता है हरियाणा की खट्टर सरकार ने 5,43,900 किसानों का 1,739 करोड़ रुपए का ब्याज व जुर्माना दोनों माफ कर दिया है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जैसे बाकी राज्यों में कांग्रेस वाले घोषणा कर रहे हैं कर्ज माफी का, वैसे ही खट्टर सरकार ने भी किसानों का पूरा कर्ज माफ क्यों नहीं कर दिया। तो इसका सीधा सा जवाब है कि कांग्रेसियों को तो सिर्फ चुनावी लाभ के लिए घोषणाएं करनी होती हैं, जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं वादे भी भूल जाते हैं, जैसे राजस्थान में किया था। राजस्थान में राहुल गांधी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों से कर्ज माफी का वादा करके वोट तो ले लिया, लेकिन जैसे ही सरकार बनी 19,000 किसानों के हाथों में जमीन कुर्की का नोटिस थमा दिया। ये है इन कांग्रेसियों के चुनावी वायदों का सच। लेकिन खट्टर साहब कांग्रेसियों की तरह है फ्री की रेवड़ी बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए उन्होंने किसानों का मूल कर्ज माफ न करके सिर्फ ब्याज और जुर्माना माफ करने का ऐलान किया। खट्टर साहब चाहते तो किसानों का पूरा कर्ज माफ कर सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि इस फ्री की रेवड़ी का नतीजा राज्य की बनी बनाई अर्थव्यवस्था को सूली पर चढ़ाना होगा, जैसे कांग्रेसियों ने 2008 में चढ़ाया था। साल 2008 में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेसियों ने उस वक्त 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, जिस वक्त देश में भारी महंगाई छाई हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार तो बन गई लेकिन जनता महंगाई से त्राही त्राही करने लगी। कांग्रेसियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें तो बस कुर्सी पाने से मतलब है, लेकिन खट्टर साहब उस पार्टी के नेता हैं जो पार्टी और चुनाव से पहले देश और देश के लोगों को रखती है, इसलिए वही कदम उठाती है जो देश के हित में हो, भले ही चुनाव जीते या हार जाएं।